कलरफुल फिल्म की हल्की शुरुआत। ये है पहले दिन का कलेक्शन फिल्म थप्पड़ का। तापसी पन्नू की फिल्म थप्पड़ को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है। फिल्म को क्रिटिकली सराहा जा रहा है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 3.07 करोड़ की कमाई की है, लेकिन फिल्म को मिल रहे रिस्पॉन्स से उम्मीदें हैं कि मूवी वीकेंड में अच्छा बिजनेस कर सकती है। फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिल सकता है। बता दें कि तरण आदर्श ने फिल्म को अपने वन वर्ड रिव्यू में पावरफुल कहा। मूवी को उन्होंने 4 स्टार दिए हैं। तरण ने फिल्म के बारे में लिखा, अनुभव सिन्हा ने एक बार फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। थप्पड़ आपसे बहुत तकलीफ दे सवाल पूछती है, ये अनुभव का अब तक का सबसे शानदार काम है। तापसी ने भी कमाल कर दिया है, यहाँ तक कि उनकी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। मूवी अमृता यानी कि तापसी पन्नू के इर्द गिर्द घूमती है। वो एक हाउसवाइफ है। अमृता के पति विक्रम पावेल गुलाटी एक कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत है। कंपनी के एक प्रोजेक्ट को लेकर विक्रम जी जान से काम करता है ताकि वे लोग लंदन जा सके। विक्रम को प्रोजेक्ट मिल जाता है। इसी खुशी में वह घर में पार्टी रखता है, लेकिन अचानक उसके बॉस की कॉल आती है और वो कहते हैं कि विक्रम लंदन तो जाएगा, लेकिन उसकी पोस्ट वो नहीं होगी जिसकी डील हुई थी। पोस्ट को लेकर विक्रम काफ़ी गुस्सा हो जाता है। पार्टी में विक्रम के अपने सीनियर से बहस हो जाती है। विक्रम की पत्नी अमृता उसे साइड में ले जाने की कोशिश करती है और अचानक विक्रम अमृता को सबके सामने थप्पड़ जड़ देता है। बस यही है फिल्म की असल कहानी, यहीं से शुरू होती है।